जे आहे ती जैन मुनींची केलेली आहे। खरं तर शांतप्रिय समाज आहे, अहिंसात्मक मार्गाने चालणारा समाज आहे। अशा पद्धतीने हत्या होणं कितपत योग्य आहे? जो लोग शांत रहते हैं उन पर ही अत्याचार होते हैं। जो अहिंसा परमो धर्म है सज्जनों के लिए है, वो दुष्टों के लिए भी हम वापरेंगे तो दुष्ट हम पे हमला जरूर करेंगे। अहिंसा परमो धर्म है यानी सज्जनों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे का वाक्य है धर्म हिंसा तथैव च, यानी जो सज्जन है धार्मिक लोग हैं उन पर जो हमला कर रहे हैं उनका नाश करना भी आवश्यक है। और ये कर्तव्य है मिलिट्री का और पुलिस वालों का, ये कर्तव्य प्रशासन का है। अगर सज्जनों पर हमले हो रहे हैं, साधुओं पर हमले हो रहे हैं, अभी पालघर का मामला शांत नहीं हुआ है, अभी तक के पालघर के साधुओं को न्याय नहीं मिला है, तो यहाँ कर्नाटक के साधुओं का निर्घृण हत्या करी गई और यहाँ पर अब सोलापुर में एक साधु पर हमला हो गया है। इस प्रकार के साधुओं पर हमले ये दिखा रहे हैं कि सनातनी समाज जो भारतीय संस्कृति के अनुयायी लोग हैं, जो जैन है, जो बौद्ध है, जो सिख है, जो शैव है, जो वैष्णव है, जो शाक्त है, ये सभी के सभी हिंदू परंपरा के लोग एकीभूत नहीं है। ये सड़े हुए जातीयवाद में वर्णवाद में विभक्त है और ये इनकी विभक्ति ही इनके धर्मगुरुओं पर हमले का आदि कारण है। अगर ये एकीभूत होते हैं तो हमले बिल्कुल ही नहीं हो सकते। इन्होंने प्रखर प्रतिकार करना चाहिए, प्रखरता से प्रतिकार करना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रतिकार से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग तलवार की बंदूक की भाषा समझते हैं उनको ज्ञान की भाषा कभी नहीं समझ में आएगी। और जब तक के सनातनी समाज एकीभूत नहीं होता तब तक के बौद्ध विहार, जैन मंदिर, गुरुद्वारे, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, देवी मंदिर सब टूटते रहेंगे। अभी तक के 5 लाख मंदिरों को आतताई ने फोड़ दिया है और अनेक साधुओं की हत्याएं करी हुई है और ये उसमें की एक कड़ी है। इसलिए सभी चैनलों के माध्यम से मैं सभी सनातनी समाज को, भारतीय संस्कृति के अनुयायियों को आवाहन करता हूँ कि धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होजिए। सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए, संप्रदायवाद तोड़ते हुए एकीभूत होकर धर्म ध्वजा को धारण करिए, धर्म को धारण करिए। इससे ही धर्म का संरक्षण होगा। और प्रखर रीति से प्रतिकार करिए, क्योंकि जो तलवार चला रहे हैं उनको ज्ञान की भाषा समझ में नहीं आएगी। ओम काली। कर्नाटक के बाद ये हमले हुए हैं, जैसे ही इस प्रकार की धर्मद्रोही सरकारें बैठती हैं धर्म पर हमला जरूर होता है। इसलिए जो धर्म हित की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, उसी को सत्ता में बिठाइए। जहां जहां मैं हिंदू बोल रहा हूँ, जैन उसी में है, बौद्ध उसी में है, सिख उसी में है, शैव उसी में है, शाक्त उसी में है, वैष्णव उसी में है, सभी के सभी छहों के छहों प्रमुख साधना, पंथ साधना, संप्रदाय मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। जैसे ही धर्म का रक्षण होगा, हिंदुओं का रक्षण होगा, हिंदुस्तान का रक्षण होगा और राष्ट्र का रक्षण हुआ तो यहाँ पर संतों का रक्षण हुआ होगा। इसलिए धर्म का परिपूर्ण रीति से कट्टर धार्मिक राजा को सत्ता में बिठाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सभी हिंदुओं ने एकीभूत होके जैनों का साथ देना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जैन समाज है भारत में, सबसे ज्यादा धर्म का रक्षण करने में आगे जैन समाज है, सबसे ज्यादा धर्म कार्य में पैसा जैन लोग देते हैं। और साधुओं पर अगर हमला होता है, जैन संतों पर अगर हमला होता है, तो मैं सभी हिंदूवादी संगठनों से और सभी हिंदू प्रेमी धार्मिक जनताओं से आह्वान करता हूँ, इस इनके समर्थन में रास्ते पर उतरिए, आंदोलन करिए, इस जिसके कारण हमें न्याय प्राप्त हो, संतों को न्याय प्राप्त हो, जैन साधुओं को न्याय प्राप्त हो, सभी साधुओं को न्याय प्राप्त हो। ऐसा मैं सभी सनातनियों को आह्वान करता हूँ। और वोटर बैंक करके जो धर्म हित की बात करता हो, जो राष्ट्र हित की बात करता हो, उसी को ही सत्ता में बिठाए, जो जाति की बात करता हो उसे बिल्कुल भी सत्ता में ना बिठाए, ऐसा मैं आप सबको आह्वान करता हूँ। प्रशासन को मैं आह्वान करता हूँ और हिंदुओं को भी आह्वान करता हूँ, इस अहिंसक समाज के संरक्षण के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए और जिसने जिस प्रकार का अत्याचार किया है उसी को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, तभी हमारा संरक्षण हो सकता है।